लखन काका फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। और ईश्वर करे कि लखन पुरानी जिंदगी की बातें भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। एक बार हमारे गांव तो आके देखो, देखना तुम्हारा यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। जिस गांव के लिए मेरे शेखर भैया इतनी मुश्किलों के बाद भी दोबारा वापस चले गए, वो गांव और उस गांव के लोग सुंदर तो होंगे। ना 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 ना, मुनिधार इतना भी सुंदर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती रोक दे। आपको पता है आप कितना ज्यादा सोए हैं? बहुत समय के बाद अच्छी नींद सोया। सब गोल है, सब कुछ गोल है। ये धरती, ये चंद्रमा, ये तारे, हमें सब पता है, फिर भी हम इस उलझन में क्यों फंसते हैं? हाँ, सब रंग रंगी है, भले उनका रंग एक ना हो, लेकिन सबको मिला के एक ही रंग बनता है, सफेद। जब सब इंसान इंसानी है तो इंसान वास्तव में क्या है? हाँ, इंसान वास्तव में क्या है? इस सवाल का जवाब देगा मुझे, मुझे जवाब दो, जवाब। कुछ भी संभव नहीं है। और दूसरा, कुछ भी असंभव नहीं है, फिर भी हमें इसे मानना पड़ता है। हम क्यों मानते हैं? यही तो हमारी कमजोरी है, मानना। हाँ, यही कमजोरी है हमारी। कमजोर करता क्या है? कमजोर करता क्या है? कमजोर कुछ नहीं करता, वो जो कुछ भी करता है उसे समय और परिस्थिति करवाती है। कुछ खा ले। क्यों खा लू? हाँ, खाना और सोना। हाँ, आप बताइए, ये दो ही काम है मेरे पास में। बोलिए काकी, बोलिए, जवाब दो मुझे। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये दो काम मेरे लिए बहुत नहीं रहता है। मैं कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है और नहीं सोया हूँ, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, समझिए आप। चिल्ला, ये तो सच में कई रातों से नहीं सोया। नहीं, क्या होगा? हाँ, क्या होगा सोने से? हाँ, कुछ होगा। तू शांत हो जा, मेरी बात मान, अच्छे से कुछ खा ले, फिर देखना कैसे नींद आएगी। जब अगर मैं अपने सपनों को खुद बना सकता तो जरूर हिम्मत करता सोने की। जब इंसान का ना तो उसकी जिंदगी पर बस है और ना उसके सपनों पर, तो कोई कैसे जी सकता है, कोई कैसे सो सकता है? हर तरफ एक बेलगाम रेलगाड़ी दौड़ रही है, बिना हॉर्न के, बिना लाइट के, पता नहीं कब किसे टकरा जाएगी, कुछ पता नहीं। बस जानवर की तरह बस चलते जा रहे हैं, कटे हाथ और कटे पैरों को फेंकते हुए। कोई दीवार पर पोस्टर लगाता क्यों नहीं? हाँ, कि इतने लोग मारे गए, इतने दो मर गए, चार मर गए, पांच मर गए, छह मर गए, सात मर गए। मैं कितनी बार बोल चुका कि कोई भी इंसान आजाद नहीं, यहां कोई भी आजाद नहीं है। मरने के बाद मौत की गिरफ्त में रहता है, और जिंदा रहकर भी। जब कुछ करने से कुछ होता ही नहीं और ना कुछ करने से कुछ होता ही नहीं, तो हर आदमी कैसे समझ सकता है? यहाँ पे एक ही इंसान है, एक ही इंसान है जो हर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। ये कैसी उलझन और बातें कर रहा है? काकी, मैं सपनों और सच्चाई की बात कर रहा हूँ। जब सपनों के अंदर सपना अपना पैर पसारता है और एक ही रास्ता अपना सीना चीर कर दो रास्ते निकालता है, जब किड चोंच के लिए अपना चोंच तोड़ता है, पता है आपको? चिल्ला, तू ना थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ के ठीक से कुछ खा ले, ठीक, उसके बाद तुझे जो बोलना है बोलता रहे। मैं तेरे जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तू ये खा ले। खा ले, मैं बाद में आती हूँ।
मुझे। यही तो कमजोरी है, जिंदा रहने की जिद मार डालती है व्यक्ति को। ये देखो, मेरी मां मेरा कत्ल करके सामान लाई है, ये सामान जो बेजान है, जो मुझसे बात तक नहीं करता, इन चीजों ने मुझे खरीदा है, मुझे। ये सब दुश्मन है मेरे, मैंने बड़े प्यार से खरीदा था ना इन्हें मेरे लिए। हाँ हाँ, इन सबको जला दूंगा, सबको काट दूंगा, सबको तोड़ दूंगा। तुम ही मेरी सारी मुसीबत की जड़ो, आज तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे दे, मैं साफ करता हूँ, तू रसोई का काम देख। अरे बाबा, मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए, आपको आदत नहीं है। अरे आदत नहीं है तो क्या हुआ बेटा? बेटा मैं देख रहा हूँ कि मैं लापरवाह होता जा रहा हूँ और तू दिन रात खटती रहती है। इसमें खटने वाली कौन सी बात है बाबा? अब अपने घर का काम अगर मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा भला? कितना काम करेगी बेटा, घर का काम, बाहर का काम, स्कूल में पढ़ाना, शाम को फिर बुजुर्गों को पढ़ाना, मुझे भी तो कुछ करने देना। मैं ये साफ कर दूंगा, तू जाके चूल्हा चौकी देख जा। बाबा क्या हो गया आपको आज? कुछ भी तो नहीं। बाबा बताइए ना, कुछ तो है। कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ है। आज से मैंने शराब छोड़ दी, हमेशा हमेशा के लिए। सच में बाबा? हाँ बेटा, तेरी जा की सौगंध, अब कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। पर बाबा, आज ये ऊंट दूसरी करवट कैसे पलट गया? बस ऐसे ही बेटा, जब तक इंसान को सच्चाई का पता ना चले तब तक वो सब कुछ जानते हुए भी अंधेरे में रहता है, सब कुछ देखकर भी वो कुछ नहीं देख पाता है। पर आज तेरे बाबा को लगने लगा है कि मैं जाग गया हूं। हां बेटा,
आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बेटी टीचर है, वो बच्चों को सारी दुनिया के लोगों को शिक्षा, ज्ञान और संस्कार सिखाती है, और मैं उसका बाबा जो दिन रात उसके साथ रहता हूं, उसको क्या संस्कार मिल रहे हैं ये बात तो मैंने रखती है ना। इस बात पर गौर करने के बाद तो लोग तेरी काबिलियत पर भी तो शक करेंगे ना। बेटा हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, अच्छी लगती हो। और बाबा आप हमेशा ऐसे रहना, आप ऐसे रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप बदल गए हैं तो बस पहले जैसे मत हो जाना। वो शराब, गुस्सा मन में ना बाबा, हमेशा एक डर सा बना रहता था। आप ऐसे रहेंगे, मैं हमेशा खुश रहूंगी। हाँ बेटा, अब मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, शराब से और सारी बुराइयों से दूर। बेटा सब अच्छे हैं तो फिर मैं क्यों किसी पर गुस्सा करूं? और हमें नफरत बुराई से करनी है, किसी व्यक्ति या किसी इंसान से नहीं। ईश्वर ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत मन से मढ़ा है। भगवान की सारी कृतियां बहुत खूबसूरत है, फिर क्यों हम किसी चीज को बुरे नजरिए से देखें? बेटा बात नजरिए की होती है। अगर आप चीजों को अच्छे नजरिए से देखो तो वो अच्छी हैं, और बुरे नजरिए से देखो तो बुरी है। ये सब तो हमारी कमजोरी है बेटी, वरना इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है। ये हुई ना बात मेरे अच्छे बाबा की अच्छी बात। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पूरन की मीठी मीठी बातों में आकर हत्यारा बना, भ्रष्टाचारी बना। मैंने हॉस्पिटल के कामों में गड़बड़ी की। डॉक्टर एक ईमानदार आदमी। सुनो मेरी छेड़ देना। हाँ ये लीजिए। मेरे कान बज रहे हैं, आप मुझे याद कर रहे हैं, और आप वहां जरूर दुख में हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे छोड़ाऊं आपको? मां बाप ने कभी स्कूल ही नहीं जाने दिया, यहां आकर भी बस घर के काम में लगी रही। ये घर, गांव, मायका, इसके आगे की दुनिया क्या होती है मुझे नहीं पता, और ज्यादा लोगों को जानती भी तो नहीं हूं। जिनको जानती हूं वो तो अपनों के ही सगे नहीं हुए, मेरी मदद क्या खाक करेंगे? कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कैसे छोड़ाऊं आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा भरोसा रखिए दीद, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। तू समझने की कोशिश कर सोनू। अगर आपने आज मेरी मदद नहीं की ना तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म, क्योंकि रिश्ते का मतलब होता है एक दूसरे के दुख में साथ देना। सोनू, सोनू, सोनू कहाँ है तू?
बेटी है, मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ। कैसी है तू? जिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही है सोनू? मैं जानती हूँ तुम उससे नाराज, पर मैं ये भी जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। मैं ऐसे इंसान को जिसने मेरी सारी जिंदगी और इस गांव के भोले भाले लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे फिकर प्रधान जी की और मालती की नहीं है, फिकर है तो विकास की। पता नहीं उसे क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करता है, पागलों जैसी बातें करता है। मैं अभी उसी के घर से आ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है विकास के साथ, और सुन लीजिए पागल नहीं है विकास, बस वो सदमे में है। और आप लोग उसे उसके हाल पे छोड़ देंगे ना तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बस अभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आज भी उसकी माँ जेल में है, जिसका वो भी एक बड़ा कारण है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो धीरे धीरे सब स्वीकार कर लेगा और दुख और अपमान के साथ जीना भी सीख जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। भगवान करे ऐसा ही हो सोनू, बेचारे की तो अभी पूरी जिंदगी भी शुरू नहीं हुई और इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों ने उसके आगे डेरा डाल लिया। जानती है तो होनहार और नेक लड़का है वो मालती की तरह नहीं है, उसकी सोच मालती से बिल्कुल अलग है। दीद, मेरी तो सबसे बड़ी मुश्किल इन्हें जेल से छुड़ाना है, आप मेरी मदद कीजिए ना दीद। मैंने पहले भी कहा है सोनू, मैं किसी को रिहा नहीं करवा सकती। दीद, आप उन्हें रिहाई कराने का पाप अपने सर पे मत लीजिए, आप सिर्फ मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ भी करके उनकी रिहाई करानी है, आप मेरी मदद कीजिए दीद। जेल में वो जरूर है लेकिन असली सजा तो मुझे मिली है। मैं समझ सकती हूँ सोनू, पर तू ही सोच, अगर बिरजू इतनी आसानी से जेल से बाहर आ गया तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मुझे पता है वो वहां से आकर वो सब वापस करेगा जैसा पहले करता था, उसे जेल भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। वो सुधर जाएंगे दीद, मैं आपसे वादा करती हूँ। उनके जेल से आने के बाद मैं उन्हें कोई गलत काम नहीं करने दूंगी दीद, मेरा भरोसा रखिए दीद, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। तू समझने की कोशिश कर सोनू। दीद, अगर आपने आज मेरी मदद नहीं की ना तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म। हाँ मैं सही कह रही हूं, क्योंकि रिश्ते का मतलब होता है एक दूसरे के दुख में साथ देना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना। और जब आपके दिल में मेरे लिए कोई लगाव ही नहीं है तो फिर एक झूठ मूठ का रिश्ता क्यों? तो समझने की कोशिश कर सोनू। मैं कुछ नहीं समझूंगी दीप, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना आज से आप भूल जाइएगा कि आपका मुझसे कोई रिश्ता भी था। ठीक है सोनू, मैं तेरे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपने वकील का फोन नंबर और उसका पता तुझे दे दूंगी, बाकी तू खुद समझ। दीप, अगर आप नंबर देने से पहले एक बार खुद बात कर लेती तो अच्छा होता। ठीक है, मैं घर जाकर उससे बात कर लूंगी और तुझे उसका नंबर मैसेज कर दूंगी। मेरा नाम लेके तू उससे बात कर लेना, बहुत अच्छा वकील है। चलती हूँ मैं। डॉक्टर बाबू। अच्छा पाकी, अंजा की बात का बुरा मत मानना, वो बचपन से ही ऐसी है, बचपन से ही मजाक करती रहती,
और वैसे भी उसका सब्जेक्ट लिटरेचर है और ऊपर से दुनिया भर के राइटरों की किताबें पढ़ती रहती और पता नहीं क्या क्या करती रहती। तंगिया जी की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज तुम जल्दी आ गई? हाँ, आज मैं जल्दी आ गई और जल्दी जाना भी है। वो बाबा कहीं बाहर गए हैं और संजय को तो स्कूल जाना था, तो दादी घर पे अकेली है, उनको अकेले नहीं छोड़ सकते ना। चलो कोई नहीं, जब तुम्हें जाना हो तुम चली जाना, लेकिन पहले मेरा ये काम कर दो कि सारी दवाई इधर उधर रखी हुई है, इन्हें सिरे से रख दो, ढूंढने में आसानी हो। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले हमें हॉस्पिटल की सफाई करनी चाहिए। आप ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, यहाँ की पूरी सफाई कर देती हूँ और इन दवाइयों को करीने से लगा देती हूँ। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं, ये काम है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है फिर, नेक काम में देरी कैसी, लग जाइए काम पर। लाओ तो, मैं रखता हूँ। अच्छा पाखी, तुम संजय की बात का बुरा मत मानना, वो बचपन से ही ऐसी है, बचपन से ही मजाक करती रहे और वैसे भी उसका सब्जेक्ट लिटरेचर है और ऊपर से दुनिया भर के राइटरों की किताबें पढ़ती रहे और पता नहीं क्या क्या करती रहे। अरे नहीं नहीं, संगीत जी की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। आपके पापा से बात हुई? नहीं अभी तक तो नहीं, संगिया बता रही थी कि पापा मुझसे अभी भी नाराज़ हैं, बात नहीं करना चाहते। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान इतना कैसे बदल सकता। पहले तो मुझे मणिधार जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, कह रहे थे कि विदेश जाके क्या करोगे, यहाँ गांव शहर में रहकर लोगों की सेवा करो, और अब जब मैं मणिधार आ गया हूँ तो मुझसे बात ही करना पसंद नहीं करता। ये उनकी नाराजगी नहीं बल्कि उनका प्यार है, वो आपका बहुत ख्याल करते हैं। मुनिधार में जब आप पे हमला हुआ था बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें आपकी बहुत चिंता हुई, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि आप गांव वापस आए, पर जब आपने उनकी एक ना सुनी और गांव वापस आ गए तो उनको बहुत बुरा लगा। पर परिवार में तो ये सब बातें होती ही रहती है, आपको उनसे बात करनी होगी, दूरियां बातें करके तो कम होती है। क्या हुआ पाखी? वो आंख में कचरा चला गया। एक मिनट दिखाना। आंखें तो खोलो। कुछ मिला मेरी आंखों में या वहीं खो गया? अभी तो नहीं मिला, ढूंढ रहा हूँ।